क्या होते हैं प्रोसेसर के थ्रेड्स और मल्टी थ्रेडिंग और हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा और उसके बेसिस पे आपको कौन सा लैपटॉप चूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। हेलो गाइज, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, चूज द बेस्ट लैपटॉप। उसी सीरीज का ये एपिसोड नंबर 3 है और इसमें प्रोसेसर थ्रेड्स के बारे में बात होगी। पिछले वीडियोस में मैंने एक जनरल पर्पस बताया था सभी प्रोसेसर को सेलेक्ट करते हुए, दूसरे वीडियो में कोर्स पे बात हुई थी, अब तीसरा वीडियो इज ऑल अबाउट थ्रेडिंग। सबसे पहली बात, प्रोसेसर के थ्रेड्स क्या होते हैं। प्रोसेसर के थ्रेड्स एक्चुअली एक वर्चुअल डिवीजन होते हैं। मैं आपको थोड़ा इस तरह समझाता हूँ। प्रोसेसर को अच्छा बनाने के लिए उसका डिवीजन क्रिएट किया गया कोर्स में, और कोर्स एक फिजिकल चीज है, लेकिन अब कोर को भी अगर डिवाइड करना पड़े तो उसे हम वर्चुअली कर सकते हैं और उसी को हम हाइपर थ्रेडिंग या मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट का टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और इसी वर्चुअल कोर्स को हम कहते हैं प्रोसेसर के थ्रेड्स। एक प्रोसेसर पे टोटल नंबर ऑफ कोर्स हो सकते हैं, फिजिकली डुअल कोर हो, क्वाड कोर हो, लेकिन हर एक कोर पर सिर्फ 2 ही थ्रेड हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो यूँ समझो कि अगर एक डुअल कोर प्रोसेसर है तो उसमें 4 थ्रेड होगा, और अगर एक क्वाड कोर प्रोसेसर है तो उसमें 8 होगा, और हेक्सा कोर में वो 12 थ्रेड तक चला जाएगा। और इसी तरह से सारे प्रोसेसर का आर्किटेक्चर आज की डेट में आपको एक कंज्यूमर लैपटॉप्स वगैरह में देखने को मिलता है। अब दूसरी बात, प्रोसेसर थ्रेड्स का काम क्या है। आपको पता ही होगा कि प्रोसेसर के जो कोर्स होते हैं उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर सकते हो एक ही टाइम पर। अगर आपको अलग अलग कोर का प्रोसेसर ढेर सारा मिल जाएगा तो वो प्रोसेसर काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, और उसी कॉस्ट को कम करने के लिए हमने हर एक कोर को अलग अलग डिवाइड कर दिया थ्रेड्स में। इससे क्या हुआ कि फिजिकली हमारे पास तो एक ही कोर है, लेकिन वो एक्ट करेगा 2 कोर्स की तरह, क्योंकि उसमें 2 अलग अलग थ्रेड्स हो गए हैं। अब मान लो आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हो, फोटोशॉप फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोसेसर को टारगेट कर दिया है कि भाई अब तुम्हें इसी पर काम करना है। फोटोशॉप को यूज करते करते आपको भी प्रीमियर प्रो भी खोलना है, साथ में ब्राउजर भी खोलना है, तमाम एप्लीकेशन खोलने हैं। लेकिन जरा सोचो कि अगर नंबर ऑफ कोर्स बहुत लिमिटेड होंगे तो ये काम आपको करने में काफ़ी मशक्कत करनी होगी। यहीं पर थ्रेड्स जो है ना काफ़ी एडवांटेज लेके आते हैं। वर्चुअली ओएस हमारे प्रोसेसर को बहुत सारा कोर समझता है। क्वाड कोर प्रोसेसर के केस में एक्चुअली में अब ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है कि आपके प्रोसेसर में 8 कोर लगे हुए हैं, मतलब 8 तरह के थ्रेड्स हैं, तो 8 अलग अलग कोर्स हैं, और उसी वजह से आपकी प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग वगैरह में काफ़ी स्मूथ रहने वाली है, कोई भी क्रैश वगैरह नहीं होने वाला है। यही चीज थ्रेड की टेक्नोलॉजी को इतना पावरफुल बनाता है, जिसमें AMD के प्रोसेसर जो 5th जनरेशन वाले थोड़ा सा आगे हैं इंटेल से, वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब तीसरी बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। अब अगर आप पूछो कि हर टेक्नोलॉजी के प्रोज होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। अगर एडवांटेज की बात की जाए तो थ्रेड होने का एडवांटेज सबसे ज़्यादा यही हुआ कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन एक ही टाइम पे रन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए एक और फैक्टर भी है ना, कि आपके पास अच्छी रैम होनी चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए, सभी कुछ एक चीज़ पे डिपेंडेंस है। अब अगर आपके पास अच्छी रैम नहीं है तो प्रोसेसर के ज़्यादा कोर या ज़्यादा थ्रेड्स रह के भी उसका फ़ायदा आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो एडवांटेज तो ये हो गया कि मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, और आपका प्रोसेसर काफ़ी सस्ता रहेगा क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। वर्चुअली थ्रेड्स को क्रिएट करना काफ़ी आसान काम है, अगर उसे हमें फिजिकल आर्किटेक्चर देना होता अलग अलग मल्टीपल कोर्स का, तो इस तरह से ये काफ़ी एडवांटेज वाली बात है। लेकिन कॉन एक बहुत बड़ा कॉन भी है इसका थ्रेड का, कि मान लो आपने एक एप्लीकेशन रन किया और OS ने सिर्फ एक थ्रेड को उसे टारगेट कर दिया, तो अब वो ऐप वहीं पर रहने वाला है। अलग अलग थ्रेड हो जाने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपका प्रोसेसर काफ़ी फास्ट हो जाएगा, ना ही वो ऐप्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। बस फायदा ये रहेगा कि हर थ्रेड पे एक अलग एप्लीकेशन रन हो सकेगा, लेकिन आपका जो प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड है ना, फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं, ऐसे 4.2 GHz, 4.5 GHz ऐसे जो चलता है ना,
वो आपकी प्रोसेसर की स्पीड होती है। तो बहुत ज़्यादा थ्रेड होने का मतलब ये नहीं हुआ कि प्रोसेसर फास्ट हो जाएगा, बस इतना सा फ़ायदा हो जाएगा कि मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी जो है ना आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाली है अगर ज़्यादा नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं आपके प्रोसेसर में। ये तो सारी बातें हो गई टेक्निकल टर्म्स की, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो की। आज की डेट में अगर आपको डेस्कटॉप बिल्ड करना है या फिर स्पेशली कोई लैपटॉप खरीदना है, जैसा कि ये सीरीज में बता रहा हूँ ना, चूज द बेस्ट लैपटॉप, डेस्कटॉप में आप प्रोसेसर वगैरह को एक्सचेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द मदरबोर्ड यू चूज, लेकिन वो काम आप लैपटॉप में नहीं कर सकते हो ना। इसलिए आपको जब भी कोई लैपटॉप खरीदना है तो मेक श्योर यू सेलेक्ट राइट प्रोसेसर फॉर यू। ये चीजें मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी, तो यहाँ पर मैं इसको समराइज कर देना चाहूंगा। बहुत ही सिंपल से टास्क के लिए, सिर्फ वेब कॉन्फ्रेंसिंग करनी, ऑफिस वर्क करना है, तो आप सिर्फ डुअल कोर 4 थ्रेड्स वाले प्रोसेसर को चूज कर सकते हो। ऐसा लैपटॉप चूज करो जो ऑलमोस्ट 40 से 50 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको डिस्प्ले वगैरह अच्छा मिले, वो ज़्यादा आप फोकस करो तो अच्छा रहेगा। प्रोसेसर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोर i3 या राइजन 3 का प्रोसेसर आपको वो काम करके दे देगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा यूज केस ये हो सकता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, या फिर आपको कोडिंग करनी है, तो आपको कम से कम 4 कोर और 8 थ्रेड वाले ही प्रोसेसर वाला लैपटॉप चूज करना चाहिए, उससे बिलो कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक बेहतरीन प्रोसेसिंग चाहिए ना, उसके लिए आपको एक अच्छा लैपटॉप चूज करना चाहिए जिसमें हेक्सा कोर या ऑक्टा कोर, जिसमें ऑक्टा कोर होगा उसमें 16 थ्रेड होगा, तो काफ़ी ज़्यादा मल्टी टास्किंग कैपेबिलिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आप अपने प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन को पार्टिकुलरली इंटेल या एएमडी की वेबसाइट पर जाकर चेक करो तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर इवन मैंने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग की वेबसाइट पे भी पूरी डिटेल्स रिवील्ड नहीं है, तो उस केस में आपको प्रोसेसर का एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन देखना चाहिए इंटेल या एएमडी की वेबसाइट पे जाकर प्रोसेसर के मॉडल नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आप सिंपली गूगल पर जाकर टाइप कर सकते हो जो भी प्रोसेसर का स्पेसिफिकेशन आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पहले सेलेक्ट करके रखा है, ये बेसिक प्रोसेसर है जो आजकल 40,000 के लैपटॉप में अक्सर मिल रहा है, 1115G4। अब यहाँ पर इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्स 2 हैं और थ्रेड्स जो है 4 है, हर एक कोर के 2 थ्रेड्स होते हैं और इसकी जो टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 4.1 GHz है, तो काफी सही प्रोसेसर तो है। लेकिन इसी प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे लैपटॉप मिलते हैं ऑलमोस्ट 45,000 के प्राइस सेगमेंट में, राइजन 350 300U। यहाँ पर देखो आप, नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स आर 4 और अगेन थ्रेड्स आर 8, तो ये एएमडी का प्रोसेसर इस इंटेल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इफिशियंट है इन द टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग। हाँ, इसका जो टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी वो थोड़ा कम है, लेकिन आप ये भी देखो, ये बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग हैंडल कर लेगा। अब सेम प्राइस पॉइंट पे आपको अगर एएमडी का ये वाला प्रोसेसर वाला लैपटॉप मिल रहा हो और फिर ये मिल रहा हो, तो आपको बेटर है कि आंख बंद करके आपको वही लैपटॉप लेना चाहिए जिसमें एएमडी लगा हुआ है, ना कि इंटेल का। लेकिन आपको यही चीजें चेक करनी चाहिए प्रॉपरली, जो भी प्रोसेसर आपको मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट वगैरह पे दिखता है ना लगा हुआ, वही सेम मॉडल नंबर लेके आपको गूगल पे टाइप करना है और उसे चेक कर लेना है। इतना सा करके आप एक अच्छे लैपटॉप बायर बन सकते हो और एक सही लैपटॉप चूज कर सकते हो अपने टास्क के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगली वीडियो में बात करूंगा मैं कैशिंग वगैरह की, उससे आपको और भी बेटर आइडिया मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बहुत ही अच्छे वीडियोस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली ये आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, इसलिए लाइक कर देना और शेयर करना वीडियो को ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन। Thank you.